प्रदेश में कोरोना लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस बीमारी का प्रकोप कम हो इसके लिए स्वास्थ्य विभाग वैक्सीन लगाने के लिए जागरूक कर रही है। यहां तक कि कई सरकारी कार्यालयों में जाकर कर्मचारियों को वैक्सीन लगाई जा रही है। सोलन के HRTC कार्यालय में भी कर्मचारियों को वैक्सीन लगाई गई। HRTC के क्षेत्र प्रबंधक शुगल सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य सचिव के निर्देश अनुसार विभाग के फ्रंटलाइन कर्मचारियों को आज वैक्सीनेशन लगाई गई। उन्होंने बताया कि करीब 60 ड्राइवर, कंडक्टर और वर्कशॉप में काम कर रहे कर्मचारियों को वैक्सीनेशन की गई है। हाँ, ये वैक्सीनेशन जो है सेक्रेटरी हेल्थ से, जो गवर्नमेंट से सर्कुलर है, उसमें HRTC के जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, जो ड्राइवर्स कंडक्टर्स हैं, वर्कशॉप के हैं, तो उनके लिए एक स्पेशल ड्राइव हमने परमिशन CMO से बात करके, उनसे परमिशन लेके आज उन्होंने हमें 22 तारीख को वो ड्राइव का टाइम दिया था। तो उसके तहत आज 67 लोग जो हैं वैक्सीनेट यहाँ हुए हैं, और 45 प्लस ऑलरेडी हमारे ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो इसमें भी 151 लोग थे जो 18 प्लस थे, तो उसमें से कुछ लोग जो हमारे से डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा दूर के, यहाँ से दूर के थे, उन्हें शॉर्ट टाइम के लिए उनको भेजा है। तो जहाँ भी कैंप HRTC के इसमें कैंपस में लग रहा है, जैसे धर्मशाला में लगा, नगोटा बाग में लगा, तो उन लोगों जो उनको नज़दीक पड़ता था उनको सबकी वैक्सीनेशन हमने वहीं से करवा दी। तो जो हमारे यहाँ रिजर्व में थे, जितने लोग थे, 151 में से ऐसे 36 आपके कांगड़ा के थे, तो 32 में जो बचे 115 के आसपास, तो उनको हमने सबको इंटीमेशन दी थी। तो कुछ लोगों ने करवा लिया था हमारा अपना, जहाँ भी उनको मौका कैंप में मिला, और बाकी जो बचे थे 67 लोग जो है यहाँ वैक्सीनेट हो चुके हैं। टारगेट ऑलमोस्ट हमारा यही था कि जो बचे हैं ये 100% इंश्योर हो जाए, तो उसमें ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, वर्कशॉप, क्योंकि जो ड्राइवर्स है गाड़ी लेके वर्कशॉप में गया था, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो वो डायरेक्टली इंट्रैक्शन में टेक्निकल स्टाफ के होता है, गैर स्टाफ के साथ भी होता है। कंडक्टर्स हैं वो डिनोमिनेशन में जाएंगे, उनके साथ भी इंट्रैक्शन में रहेंगे। तो जो लोग उसके बीच में उनके इंट्रैक्शन में थे वो हमने लिए हैं।